चुनिए। गजल प्रेमियों के लिए शाम यादगार लम्हों की तरह जिंदगी के पन्नों में कैद हो गई। मौका था देश की राजधानी दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर की, जहाँ पे गजल सम्राट गुलाम अब्बास खान द्वारा गुनगुनाई गई गजलों ने शमा बांध दिया। कार्यक्रम के मौके पर क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राज कुंदर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपका अपना राज कुंद्रा। गजलों के बेताज बादशाह गुलाम अब्बास खान जी हमारे साथ है और आज वो दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में जो है कुछ खास वार्ता लेके आए। आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या ऐसा वार्ता था जो आज उन्होंने दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में जो है। देखिए, मैं खास तौर पर दिल्ली आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जो मैं ख्याल हूँ के नाम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। गुनी जन सभा एक सीरीज़ है जिसका नाम है गुनी जन, मतलब वो लोग इस कंसर्ट में शामिल होते हैं जिनमें गुण होता है अपनी अपनी कला के क्षेत्र में। तो ये मौसीकी से संगीत से जुड़ी हुई सभा थी और शायरी से जुड़ी, जिसमें हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शायर हैं चंद्रभान ख्याल और मैं ख़ासतौर पर बॉम्बे से हाजिर हुआ, और एक और मशहूर शायर हैं अमिता परशुराम। तो ये प्रोग्राम था इस तरह से, जिसमें चंद्रभान ख्याल साहब की पोइट्री का सेलिब्रेशन था म्यूज़िक के साथ। तो मैंने उनकी कुछ जो गम जदा हैं राहत पा नहीं सकते, खुशी है भी तो क्या जब मुस्कुरा नहीं सकते। गुलाम अब्बास जी ने बहुत ही अच्छे गज़ल गाई और उनके ख्याल साहब की जो शायरी भी बहुत अच्छी थी और वो दिल को छूने वाली थी, और इनकी आवाज़ तो गुलाम अब्बास जी की आवाज़ तो बिल्कुल मेस्मराइजिंग, जैसे कहते हैं बिल्कुल मेस्मराइजिंग थी, वो आपको मोह ले लेती थी और आपको अपने वश में कर लेती। उनकी जुस्तजू गज़ल बहुत पसंद आई और उन्होंने जो ख्याल साहब की दूसरी गज़लें और अंत में मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गाई वो भी बहुत पसंद आई। चलिए सत्य।